हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आइए आज हम बनाते हैं एकदम सिंपल सा मूंग दाल की रेसिपी। इसके लिए हमने मूंग दाल को पहले से ही उबाल के रखे थे। मूंग दाल हमारा पहले थोड़ा तेल में फ्राई करके फिर उबालना चाहिए दोस्तों, इससे बहुत ही टेस्टी और बढ़िया आता है। मूंग दाल मैंने उबाल के रख लिया है, अभी इसे अच्छी तरीके से स्मैश करना है। इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देना है। अभी मेरा मूंग दाल रेसिपी एकदम इजी है, आप चाहे तो घर पे ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही टेस्टी भी है। यह बार मैंने 2 से 3 सहजन ले लिया है और 4 से 5 हरी मिर्ची काट लिया है। मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दे फ्रेंड्स। अभी मैंने यहाँ पर दाल पर पानी ऐड कर दिया है, अभी इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम हम हाई कर देना है और ऐसे अच्छे तरीके से चलाते रहना है। देखिए, मेरा दाल में उबाल आ चुका है, अभी इसमें सहजन और हरी मिर्ची ऐड कर देना है। 1 चम्मच नमक ऐड कर देना है, 1/2 चम्मच हल्दी ऐड कर देना है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर दीजिए, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है दोस्तों, ये इजी भी है। देखिए मेरा दाल का कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है। अभी इसमें हम तेल ऐड कर देना है। उसके लिए मैंने दाल को उबाल के एक साइड में निकाल लेना है, फिर हमें दूसरे बर्तन में तेल पे छोड़ना है दाल को। इसके लिए हमने एक दूसरा बर्तन ले लिया है। अभी इसमें मैंने तेल ऐड कर दिया है, तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें थोड़ा जीरा ऐड कर देना है और 3 से 4 तेज़पत्ता ऐड कर देना है। अभी इसमें हम दाल को भी ऐड कर देना है, बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। मेरे वीडियो को अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। देखिए मैंने यहाँ पर दाल को तेल में छोड़ दिया है, देखिए मेरा दाल का कलर कितना बढ़िया आ रहा है फ्रेंड्स। मेरा दाल पक के तैयार हो चुका है, बिल्कुल सादा रेसिपी है। इसमें मैंने ना प्याज डाला है ना टमाटर डाला है, सिंपल सा रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी भी है। घर पे ट्राई जरूर करना फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बना है मेरा दाल रेसिपी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अभी इसे हम सर्व करेंगे, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।